टू द इंडियन ट्रैवल डायरीज, आई एम शताब्दी एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। कल रात को हमने यहाँ पे पैंगोंग सो में कार कैंपिंग करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो क्लिक ऑन दी आई बटन एंड वॉच दैट वीडियो। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पैंगोंग सो से, एंड हमारा जो मेन प्लान था, इनिशियल प्लान था जो हम करके आए थे, वो ये था कि हम यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे सो मोरोरी एंड सो कार के पास हम लोग कैंपिंग करेंगे रात को, जो कि आज रात को होने वाला था। एंड वी वुड हैव गॉन डायरेक्टली फ्रॉम पैंगोंग सो वाया चुसुल, लेकिन वो वाला रास्ता बंद है, हम उसको नहीं ले सकते। सो वी अगेन हैव टू क्लाइंब थ्रू चांगला एंड खड़ू होते हुए हमें जाना पड़ेगा, विच इज अ लॉन्गर रूट, एंड आज रात को हम सो मोरोरी के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड रास्ते में ही हमें कहीं पे रुकना पड़ेगा। नॉट श्योर जो इनिशियल प्लान था, जिस वाइज मैं आपको बता रही हूँ, वो तो होने वाला है नहीं अब। अब नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड हाउ द डे अनफोल्ड्स एंड हाउ द इवनिंग अनफोल्ड्स एंड वेयर वी रीच एंड हाउ वी एंड अप, यू नो, वेयर वी एंड अप गोइंग। सो कीप वॉचिंग दिस सीरीज, कीप वॉचिंग अस एक्सप्लोरिंग लद्दाख। Feels like a handful of silk now. Where are you, Shatabdi? ये चांगला टॉप में जो कैफे है ना, वहाँ पे गर्मा गर्म मैगी एंड कॉफी। कोका कोला का ग्लास है लेकिन इसमें हॉट कॉफी है। Finally the wide roads which will lead us to खड़ू। खड़ू हम पहुँच गए हैं और जो सबसे पहला काम हम करवाने वाले हैं वो है कि हम डीजल भरवाने वाले हैं। खड़ू के बाद लेह मनाली हाईवे में नेक्स्ट डीजल पंप आपको मिलेगा टंडी में, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। So keep your fuel tank full. सोकार और सोमुरीरी का रास्ता मोस्टली ऐसा ही है, ऑफ रोड। द ऑल्टरनेट रोड फ्रॉम उपशी वाया चुमाथांग इज सिमिलरली बैड इफ नॉट वर्स। एट दिस पॉइंट हमें बस सोकार किस डायरेक्शन में है वो पता था, एंड हम अपनी गाड़ी बस उसी दिशा में बढ़ाए जा रहे थे। और मैदान के बीच में से कई सारे व्हील मार्क्स थे जिसको हम मोस्टली फॉलो कर रहे थे, लेकिन कई जगहों पे दे वर डाइवर्टिंग एंड हमारे लिए वो बहुत कंफ्यूजिंग था। सो हमने बस उस डायरेक्शन में अपनी गाड़ी बढ़ाई जिस डायरेक्शन में सोकार लेक था। तो लद्दाख में ऑफ रोडिंग करते करते सोकार हम पहुंच चुके हैं। अभी हो रहे शाम के 6 और यहाँ पे रहने की, यू नो, ऑप्शंस बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। तो हमें एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन बहुत ही महंगा रूम मिल गया है। बहुत ही बेसिक है लेकिन 2000 रुपये लगेंगे इसके। बट हाँ, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो वी आर गोना स्पेंड द नाइट हियर एट सोकार। बेसिक कमरा, इट हैज़ गॉट एन अटैच्ड टॉयलेट। बोल दिया गया है कि वाटर की स्कार्सिटी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोकार। सो कल रात को हम यहीं पे आके रुके थे, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कार मीन्स सॉल्ट इन लद्दाखी एंड सो मीन्स अ लेक। सो दिस इज बेसिकली अ हाई ऑल्टीट्यूड सॉल्ट लेक,
एंड उसके सराउंडिंग का मार्श एरिया है जहाँ पे बहुत 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 बर्ड्स मिलते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बर्डिंग एंड वाइल्ड लाइफ जस्ट लाइक अरिजीत. इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे. वैसे हमारा इनिशियल प्लान तो था सो मोरूरी तक जाने का, पोका हॉट स्प्रिंग्स देखने का, लेकिन कल वो पूरा हो नहीं पाया इसलिए हमें सोकार में ही रुक जाना पड़ा. आपने वीडियो में देखा कि रास्ता कितना ख़राब है, दिस रोड इज़ बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट. एंड हमने जब यहाँ पे लोकल से बात भी करी, दे टोल्ड अस दैट इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस टिल सो मोरूरी. एंड सो मोरूरी यहाँ से करीबन 5 घंटे दूर है बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इस रूट में कहीं पर भी पेट्रोल पम्प नहीं है, तो आप डीजल रिफिल नहीं कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ कंसर्न. एंड कल देखते हैं क्या करते हैं, आपको पता चली जाएगा. कीप वॉचिंग दिस सीरीज. सोकार और सोमोरी के बीच में आता है ये पूगा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया. इट्स राइट देयर, हमको उधर जाने का है. चलो लेट्स गो. ये जो आप माउंट्स देख रहे हो उसके बीच बीच में कई जगह पे पानी है, कीचड़ है, जो मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है कई जगहों पे ये नी डीप भी है. तो इफ़ यू फॉल इन देयर आपके कपड़े गंदे होने वाले हैं, आपका शरीर गंदा होने वाला है. सो इस तरह से जंप करते हुए हॉप करते हुए आपको आना है. तो ये है पूगा का हॉट वाटर स्प्रिंग, है ना अमेजिंग जगह. काफी ऐसे कीचड़ भरी जगह है, तो शॉर्ट हाफ पैंट कर लेना या फिर फोल्ड कर लेना अपने फुल पैंट्स को. जूते पहन के नहीं जा सकते, या तो नंगे पैर या फिर हमारी तरह फ्लोटर्स पहन लेना. सोमरेली के लिए सही रास्ता है सर. और नीचे जो एक और पक्का रास्ता दिख रहा है वो नहीं है, रिपीट चल रही है. और तू बोले खुड़ गए.
जाने का रास्ता यही तो है, ये कर लिया तो गुरगैंग में क्या प्रॉब्लम है? That's what I'm telling you. वहाँ पे भी ऐसे रास्ता बन गया है, अब उसमें एक पक्का रास्ता बनाने का योजना चल रहा है. It's the same thing. My God, it's मतलब आज हार्ट अटैक्स हो रहे, कल हार्ट अटैक्स होंगे, इसी रास्ते से वापस जाना है इसलिए, और फिर परसों भी हार्ट अटैक होगा मेरा, क्योंकि परसों तुम प्लान कर रहे हो गुरगैंग जाना है, और फिर तरसों भी होगा क्योंकि गुरगैंग के रास्ते में वापस आना है. फिर बस उसके बाद तो वही जिंदगी है ना. पापा बताओ, सैंडर के ऊपर इसने सामान भी ला दिया है और हमें शेल्टर पे भरोसा नहीं. अब हमें किधर जाना है? उसने बोला एक ब्रिज आएगा, आपको कच्चे रास्ते पे ही चलना है. ब्रिज अभी तक आया है. मैंने कहा था कि टॉक अबाउट बैड रोड्स एंड पैंगोंग सो विल शो यू ऑल. आई एम सॉरी पैंगोंग सो, मैं सो मुरीली नहीं आई थी तब. नाउ आई नो व्हाट बैड रोड्स और नो रोड्स एंड ऑफ रोडिंग आर लाइक इन लद्दाख. एंड ये कौन सा सॉस है? चटनी, चटनी टोमेटो, जिंजर, सिलेंट्रो, ओके, मिंट, ऑलराइट, गार्लिक, ऑल मिक्स. आई वांटेड टू आस्क समथिंग. यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर्स हैं, आर दे रियली नोमैड्स और दे हैव कम हियर टू परफॉर्म लाइक समवेयर एल्स? They're all from Chennai here. They are from other places. Okay, so see, they do live a nomadic life. Yes. They're performing people. No, they're performing people. They do not live a nomadic life. But still, I'm not sure. Probably they belong to the tribe, but they have adapted to the more city life kind of a thing. They have, right? नोमैडिक फेस्टिवल के वहाँ से निकल चुके हैं. नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ कैंपिंग स्पॉट. वही कार कैंपिंग, बस कार खड़ी करनी है हमको. एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कार खड़ी करके हम लोग रात के लिए सो सके. हेलो फ्रॉम सो मरीडी. ऑफ रोडिंग करते करते हम यहाँ तक पहुँच तो गए, आपने देखा वीडियो में. एंड यहाँ पे पहुँच के एज सच हमें फेवरेबल कोई स्पॉट नहीं मिल रहा है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करके रात को सो सके, क्योंकि पूरा फेंसिंग किया हुआ है, लेक के चारों तरफ से फेंसिंग की हुई है. और ये जो थोड़ा बहुत ओपन एरिया है जहाँ से आप टूवर्ड्स लेक जा सकते हो, वो बेसिकली ITPP के अंडर है, तो आप रात को गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर सो नहीं सकते. एंड नोमैडिक फेस्टिवल की वजह से जो यहाँ पे गेस्ट हाउसेस है, कैंप्स है, वो सारे फुल हैं.
तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हैं. अभी 4 बज रहे हैं, वी हैव अबाउट 3 आवर्स ऑफ सनलाइट लेफ्ट. तो हम वापस जाने का अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ तक जा पाएंगे फेवरेबल रहेगा हम वहीं तक जाएंगे, एंड देन विल स्टॉप आवर कार एंड कैंप फॉर द नाइट. देन कल की जर्नी शुरू करेंगे जहाँ पे भी स्टॉप होंगे वहाँ से. सो फिलहाल इट्स टाइम फॉर सम फोटो शूट अराउंड सोमवार. Hop in the car and leave the dad on the curb. We'll find a beautiful view. There ain't no monsters left in the dark. And I'm glad I'm here next to you. If you move with your soul and you forget what you're told, then you can win the world. If you dance in the rain and become friends with your pain, then you can win. के रास्ते में एक और ये छोटा सा लेक आता है, इट्स कॉल्ड क्राइगर्स. सो सो मुरली से छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है. लुक एट द कलर ऑफ द वाटर, इट्स ऑल ब्लू. नाइस प्लेस. बस थोड़ा सा और चलते हैं, बस और थोड़ा सा. ऐसा करते करते हम सो कार तक पहुंच गए रात के 8 बजे तक. एडवांटेज ये है कि डेलाइट करीबन 7:30 से 8 बजे तक रहता है और हमें बस लास्ट के 15-20 मिनट ही हेडलाइट पे चलना पड़ा. एंड यस, वी स्लेप्ट इन आवर कार. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.